ये देखिए गाइस, हमारा गाजर का हलवा ना दूध ना मावा और ना ही घी का हमने इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं चारों तरफ से इतना टेस्टी, इतना यम्मी जूसी गाजर का हलवा, जो कि 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। और जब भी चाहें आप, चाहें अगर आधी रात में तो आधी रात में भी बना सकते हैं। इतना टेस्टी, इतना यम्मी गाजर का हलवा। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाया है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आप देख सकते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी यूनिक तरीके से, क्योंकि इसमें ना दूध होगा ना मावा होगा और ना ही कोई इंग्रेडिएंट विशेष। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता कि अब एकदम से बच्चे हैं छोटे, उनका मन कर गया गाजर का हलवा खाने का, अब हमारे यहाँ मावा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो ये देख लेते हैं। एक सिंपल सा मीठे का एक अनुपात, ये हमारा 4 कटोरी आप देख सकते हैं गाजर। वैसे तो हमें मालूम है कि ये हमारा 1/2 kg गाजर है, बट हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। 4 कटोरी हमारा गाजर, 1 कटोरी चीनी, ठीक है, चौथाई भाग चाहिए हमें चीनी का, यानी आप देख सकते हैं 4 कटोरी में 1 कटोरी चीनी, और ये 1 कटोरी दूध की मलाई बिल्कुल। तो चलिए बनाते हैं फटाफट गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। ये देख सकते हैं, अब इस कुकर में हम अपना गाजर पूरा डाल देंगे जितना भी है। ये देख सकते हैं गाइस, हमने डाल दिया है। अब इसमें हम अपने डाल देंगे ये मलाई जो ताजी है, ठीक है, इसको इसमें डाल करके बॉयल करेंगे, सीटी लगाएंगे। गाइस एक बात और, आप मलाई थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही कर सकते हैं, इसमें मलाई जब पड़ जाती है ना ताजी, तो मावे की जरूरत नहीं रहती है। अब इसमें मिक्स कर देंगे इसको। और गाइज एक बात और, आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बिल्कुल भी चीनी नहीं ऐड करी है। चीनी अगर आप ऐड कर देंगे इसमें तो इसकी जो मलाई है ये फट जाएगी, खराब हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मिला करके अब रखते हैं अपनी फ्लेम पर। ये देख सकते हैं आप कैसा हो गया है इसका हलवा का रंग, ये देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक बात और गाइज, जो हमारी मलाई होती है ना, उसमें मावा भी होता है घी भी होता है, इसलिए हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी इसमें। ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको फ्लेम पर रख दिया है, तो इसमें आने देंगे सीटी और इसको पकाएंगे। ये देख सकते हैं गाइस, सीटी आने वाली है इसमें, ठीक है। इसी तरह से 2 सीटियां और हम बुलवाएंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। तो एक आ चुकी है, 2 और। ये देखिए गाइस, जब तक गैस निकलती है उसके बाद मिलते हैं आके। ये देख सकते हैं गाइस, पूरी निकल चुकी है एयर, तो खोलेंगे और देख लेंगे अपना कैसा हुआ है। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत प्यारा बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें अभी काफी दूध भी है, ठीक है। तो इसको अब हम सुखा लेंगे, ठीक है, फ्लेम ऑन करेंगे और सुखा लेंगे इसमें इसी तरह से। एक बात और गाइस, अगर आपकी गाजर में वो अंदर गाजर के अंदर जो पीला पीला पार्ट ज्यादा होता है, तो आप उसको निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, हमने नहीं निकाला है क्योंकि हमारी नरम और अच्छी गाजर थी, ठीक है। और अगर आपको कद्दूकस करके ना बनाना हो तो आप बिना कद्दूकस किए हुए कट करके, अगर ज्यादा मुलायम गाजर है आपके तो बिना कट, मतलब बिना कद्दूकस किए हुए बॉयल कर भी बना सकते हैं, जिसका वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, ठीक है। तो हो सकेगा तो उसकी स्वीट की प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिएगा, डाल देंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से चलाते हुए अब इसका जो पानी है, यानी ये दूध है जो जूस है, देखिए जो गाजर थी उसने अपना जूस छोड़ा, तो ये इसमें दूध जैसा ये लग रहा है, ये देख सकते हैं आप ये। तो इसको अब हम इसी में सुखा देंगे, सुखाने के बाद में फिर मिलेंगे आपके। एक ट्रिक और गाइस बताएंगे आपको एक बात, कि जो आप बॉयल कर बनाते हैं, कट करके बॉयल करके, उसमें थोड़ा सा आपको लगता होगा कि कद्दूकस करने का टाइम बच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉयल करने के बाद में उसको काफी भूनना पड़ता है, उसमें पानी बहुत होता है, ठीक है। और इसमें कद्दूकस करने में टाइम लगता है, बाद में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आप दोनों का टाइम मिलाएंगे, कद्दूकस करके और बॉयल किया हुआ, तो देखेंगे कि इसमें टाइम कम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। उसको ये देखिए, आप देख सकते हैं गाइस, दूध लगभग डल चुका है, थोड़ा बहुत रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम अपना ये चीनी जो रखी हुई है ये हम ऐड कर देंगे, ये देख सकते हैं आप, चीनी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि
गाजर का हलवा है तो उसमें चीनी कम खाई जाती है, इसी वजह से हमने इसी क्वांटिटी में बताया है। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आप थोड़ा सा मीठा खाना चाहें या थोड़ा सा और कम मीठा खाना चाहें तो आप उसमें यूज कर सकते हैं, चीनी कम या ज्यादा। चलिए इसको और पका लेते हैं। देखिए पानी कितना सारा आ गया इसमें, चीनी मेल्ट होकर आई है तो इसको पकाते हैं और गाढ़ा करते हैं। ये देखिए गाइस, फ्लेम हमने बिल्कुल फुल कर लिया है इस समय, क्योंकि चीनी का भी जूस निकल आया है काफी, तो पतला हलवा हो गया ये देख सकते हैं। इसको पकाने के लिए इसको फ्लेम को फुल कर दिया है। ये देखिए गाइस, हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और आज का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है, और इसमें ना हमने कोई फूड कलर डाला है ना कुछ भी, ये देख सकते हैं। और ये जूसी भी है, ये देखिए, जिसको जूसी पसंद है तो वो जूसी भी खा सकता है। आप लोग को दिख रहा हो शायद, ये देख सकते हैं, बट हमें जूसी नहीं पसंद है, हमें थोड़ा ड्राई पसंद है, तो इसको हम थोड़ा सा वो ड्राई कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये देखिए गाइस, आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, किशमिश और काजू और बादाम, तो लगभग लगभग 2 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, और जो ये बचे हुए हैं 1 स्पून करीब बचा हुआ है, तो उसको हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे ऊपर से, तो इसको इसमें डालते हुए इसको भी पका लेंगे और इसको हम इसको सूखा कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारा बन चुका है जैसा हमें चाहिए, बिल्कुल सूखा सूखा, तो हमने फ्लेम बंद कर दी है। और चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं और रियल कलर आपको दिखाते हैं सर्व करते समय। वैसे तो आपको कलर दिख ही रहा होगा, बट वाकई में देख के इतना अच्छा लग रहा है कि एकदम पानी आ रहा है हमें, कि इसमें ना दूध हमने ऐड किया ना मावा ऐड किया हुआ है, फिर भी इतना टेस्टी बना हुआ है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, सर्व करते हैं और गाइस आप देख सकते हैं परोसते ही हमको आ रहे मुंह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी बना हुआ है और इतना यम्मी, और बिल्कुल 5 से 6 मिनट में बन जाता है। क्योंकि हम थोड़ा सा आपको बताते हैं मेजरिंग वगैरह करके, इसमें थोड़ा सा वीडियो ऊपर नीचे टाइमिंग की हो जाती है, बट बहुत टेस्टी और बहुत जूसी। और ना हमने घी यूज किया हुआ है, ना मावा यूज किया हुआ है, और ना ही हमने दूध यूज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इतना टेस्टी हलवा, और बहुत जल्दी बनकर रेडी है। और जब चाहे बच्चे, अगर बच्चे आधी रात में भी बच्चों का मन कर जाए ना, तो बच्चों को आधी रात में भी दे सकते हैं खाने के लिए। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी, इसको डेकोरेट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दिया है। और ये रही आज की हमारी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और इस ठंडियों में इस तरह से बनाकर खाइए गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।